स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में स्टार्ट हुई थी, ये आपने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। अब बच्चों, अब जो है आपने ये तो पढ़ा कि वो जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुई, व्हाट वर द रीजंस एंड व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट। लेकिन बच्चों, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि इसकी बेस में प्रिंट कल्चर था। प्रिंट जब गटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई, उसके बाद में प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ। इस प्रिंट रेवोल्यूशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लाई। इस फ्रेंच जो है, जो प्रिंट कल्चर है, इट क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द प्रिंट कल्चर अवेयर द पीपल एंड यूनाइटेड देम फॉर ए मास मूवमेंट अगेंस्ट द डेस्पोटिक रूल एंड द हाई अथॉरिटीज ऑफ द चर्चेस। इट अवेयर द पीपल, लोगों में इसने जागृति पैदा की, लोगों में थिंकिंग पावर उनकी बढ़ाई, और इसकी वजह से जो है वो सभी लोग जो है एक बहुत बड़ी 1789 में एक बिग रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो गए। अब उसका पहला रीजन आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? आपकी बुक में दिया हुआ है द आइडिया ऑफ द एनलाइटनमेंट। व्हाट इज दिस एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट हुआ अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट। आपकी जो सोच विचार है, आपकी जो जागृति है, आपके जो विचार हैं, वो जो है उसको अच्छी तरह से जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने विचारों को लेके चलना, दैट इज एनलाइटनमेंट। इसने जो प्रिंट कल्चर ने लोगों में जागृति पैदा की। अब लोग जो थे, नो दे स्टार्टेड थिंकिंग रैशनली, दे स्टार्टेड थिंकिंग विद रीजन। अब जो चर्च की कही हुई, जब पुराने जितने भी इनके जो पुराने रिचुअल्स थे, उनको वो वैसे ही नहीं अपनाते थे, अब उनको रीजनिंग के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते थे। अब इनके साथ बड़े बड़े फिलोसोफर भी थे, इनके साथ जो थे बड़े बड़े फिलोसोफर थे, उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट्स को भी ये पढ़ते थे, और जो है वो अपने जिस एनलाइटनमेंट की वजह से अब लोग जागृत हो गए, अब वो विजिलेंट हो गए, अब वो हर एक चीज को सोच कर समझ कर करते थे। इसी जागृति ने उनको जो है, अब जो है उनके ऊपर जो जब मोनार्क रूल कर रहे थे, अब उनका रूल कैसा था, वो क्यों ऐसे उनके साथ बिहेव करते थे, इसको सोचने के लिए विवश किया। ऐसा ही द दूसरी चीज आपके बुक में दी हुई है, द न्यू कल्चर ऑफ द डायलॉग्स एंड द डिबेट्स। बच्चों, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द डिबेट्स एंड द आइडियाज। नो द आइडिया, न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ल्ड। अब एक नई दुनिया थी उनके पास। प्रिंटेड मटेरियल कुड पर्सुएट द पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड कम टू द एक्शन। अब यही जो डिबेट और जो डायलॉग्स थे, अब लोग आपस में जो है इकट्ठे होते बैठते, और जो डिस्कशन होती कि जो ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका जो है सोल्यूशन क्या है, इस चीज की जो है वो डिबेट्स होती, वो डायलॉग जो है, इस चीज ने बहुत हेल्प की। अब लोग जो है सही तरीके से राइट को लेकर चलते, रॉन्ग को वो, अब उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो जो रॉन्ग चीज है उनको छोड़ते और राइट को लेकर चले। अब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, अब उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था, तो उनकी न्यू थिंकिंग का था। अब उनके ऊपर जो है वो जो न्यू थिंकिंग, न्यू थॉट्स, एनलाइटेंड जो थॉट्स थी, अब उनका इंप्रेशन था, उसको लेकर चल रहे थे। अब वो जो बच्चों, इन्होंने क्या किया, अब स्लोली थ्रू कैरिकेचर्स एंड द कार्टून्स, इन्होंने अपने जो बड़े बड़े लॉर्ड्स थे, मोनार्क्स थे, उनकी जो मोरालिटी के ऊपर भी इन्होंने अपना जो है बात करनी शुरू कर दी। उनकी जो इमोरालिटी, अब वो इमोरल होते थे, वो जो है अपनी जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, उनकी जो है क्रिटिसाइजिंग द मोरालिटी ऑफ द नोवेलिटी थ्रू द कार्टून्स एंड द कैरिकेचर्स। अब कार्टून्स तो आपने देखे, कार्टून तो न्यूज़पेपर में कई बार देखे होंगे, एंड कैरिकेचर्स भी वैसे ही होते हैं, पूरी एक पिक्चर बनाकर उसको डिपिक्ट करना, किसी के बिहेवियर को, किसी की हैबिट को डिपिक्ट करना, दिया था कैरिकेचर। ये आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों, ये एक कैरिकेचर बनाया हुआ है, दिस इज नॉट ए कार्टून, दिस इज ए कैरिकेचर। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द कार्टून शोज, ये कार्टून ही है, कार्टून और ऐसा ही कैरिकेचर भी होता है। द कार्टून शोज हाउ द ऑर्डिनरी पीपल, peasants, artisans and the worker had a hard time। ये नीचे देखें, उनका कितना hard time है, कैसे वो पत्थर तोड़ रहे हैं,
कैसे वो बहुत काम कर रहे हैं, वो जो किस प्रकार से अपनी पीठ पर जो है वो सामान उठा कर ला रहे हैं। हॉट टाइम वाइल द नोबेलिटी, जो ऊपर नोबेलिटी है, नीचे वर्कर्स है, जो ऊपर नोबेलिटी है, ये जो है बड़े बड़े मोनार्क्स जो हायर एरिस्टोक्रेट हायर अथॉरिटीज हैं, हाउ दे आर लीडिंग देयर लाइफ, डांस कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, एंड हाउ द नोबेलिटी एंजॉय द लाइफ ओप्रेस्ड देम। Circulation of cartoons like this one had an impact on the thinking of the people before the revolution. अब जो है ऐसे कार्टून जब सर्कुलेट होने लगे, इसका जो था लोगों के ऊपर असर होने लगा, लोगों के ऊपर असर इम्पैक्ट होने लगा, लोग ये चीज़ें देखते, जब वो विजुअली ये चीज़ें देखते तो उनके ऊपर असर होने लगा। अब बच्चों सिर्फ जो है ये कार्टून और प्रिंट का ही उनके ऊपर असर नहीं हुआ, अब कार्टून और प्रिंट जो है वो तो किसी को बदल नहीं सकते, हाँ पढ़ते हैं कार्टून भी देखेंगे, उसका जो इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर होगा, लेकिन उसको हम रैशनली, उसको हम अपना सोच विचार करेंगे कि वो जो दिया है, अब सिर्फ यही कार्टून थोड़े आ रहे थे सोसाइटी में, जो है जो चर्चिस की तरफ से भी जो प्रोपेगंडा था, जो नोवेल्टी की तरफ से जो प्रोपेगंडा था वो भी तो आ रहा था ना, इन्होंने दोनों साइड देख रहे थे, उनके प्रोपेगंडा भी देख रहे थे, और जो है ये कार्टून और जो लोगों का जो न्यू आइडिया जो डिबेट और जो डायलॉग्स उनको भी सुनते थे, ऐसे कार्टून या कैरिकेचर्स भी देखते थे, और वो अपनी एक फीलिंग बनाते थे, अपना एक आइडिया बनाते थे, वो जो आइडिया था उनको जो सही लगा, उनको लगा मोनार्क लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, जो मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। और बच्चों दूसरी तरफ क्या हुआ था, 4th जुलाई 1776 को जो है अमेरिका में जो है वहां पर इंडिपेंडेंस जो अनाउंस हो गई थी, वहां पर रिपब्लिकन सिस्टम आ गया था, जब जो है 4th जुलाई 1776 को यूएसए जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, वहां से भी इन्होंने वहां ये चीजें भी इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ी, इस चीज इन चीजों से भी इनको एनकरेजमेंट मिली, इनको लोगों को लगा, फ्रेंच पीपल को लगा कि जो है अब जो है इनके इनका फ्रांस में भी रिपब्लिकन सिस्टम होना चाहिए, अब जो मोनार्कियल जो है डेस्पोटिक सिस्टम नहीं चलेगा, अब ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं चलेगा, इन्होंने उस रिपब्लिकन सिस्टम के लिए, वो रिपब्लिकन सिस्टम जिसमें पब्लिक की से हो, जिसमें लोगों की पावर जो है इंपॉर्टेंट, लोगों की जो ताकत है, उनकी जो थिंकिंग है, उसको लेकर जो है ये लोग चलें, इस चीज की जो है इसके लिए लोगों ने अब जो फाइट शुरू की, आपके जहां ये लिखा हुआ है, हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गुमेंट्स, हमने सारा पढ़ा, हमने एनलाइटनमेंट भी पढ़ी, हमने डिबेट्स और डिस्कशंस भी पढ़ी, उन्होंने कहा ये सब आर्गुमेंट्स हम दे रहे हैं, लेकिन इसका जो है इन सब आर्गुमेंट्स हम कैसे देखते हैं, देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज, व्हाट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर, इफ दे रीड द आइडियाज ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो They were also exposed to the monarchical and the church propaganda. अब यही नहीं है कि लोग जो थे वो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही पढ़ते, वही देखते, या वो जो बड़े बड़े फिलोसफर वोल्टेयर और रूसो के आइडियाज को पढ़ रहे थे, भूल लो बच्चों, वो तो जो थे वो मोनार्कियल और चर्च का जो प्रोपेगंडा था उसके ऊपर भी वो उनकी बातें भी तो वो सुन रहे थे, दे वर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रीड और सा, वो सिर्फ उसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे कि जो कुछ वो देख रहे थे पढ़ रहे थे या ऐसे कैरिकेचर्स और कार्टून्स में देख रहे थे, वो दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर, उन्होंने सब देखा सब पढ़ा, कुछ आइडियाज को एक्सेप्ट किया और कुछ को रिजेक्ट किया, रॉन्ग को रिजेक्ट किया और राइट को एक्सेप्ट किया, दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे, उन्होंने फिर एक अपना आइडिया बनाया और अपनी तरह से जो है उस बात को कहा, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड, प्रिंट ने सीधे पढ़ते तो थे उसी से उनके माइंड शेप नहीं हुए, ये सरकमस्टांसिस थी, ये सारी सिचुएशन थी जिसने उनके आइडियाज को बदला और एक सिचुएशन क्रिएट की फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, लोग तैयार हुए और बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और जो पूरे 100 ईयर्स तक चली, जो तब तक चली जब तक 1 पर्सन 1 वोट का जो पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो आइडिया था वो लोगों को नहीं मिला, जो फीमेल्स थी उनको भी वोटिंग राइट्स मिले, पहले तो कहा क्या कि जो लैंडलॉर्ड्स होंगे उन्हीं को वही वोट डाल सकेंगे, टेनेंट्स जो किराएदार होंगे वो वोट नहीं डालेंगे, उसके लिए भी फाइट हुई, टेनेंट्स को भी राइट्स दिए गए वोट डालने के, फीमेल्स को भी राइट दिए गए वोट डालने को, 1 पर्सन 1 वोट का आइडिया जब तक जो है फुली एक्सेप्ट नहीं किया तब तक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चलती रही, ये इतनी बड़ी रेवोल्यूशन थी जिसके लिए जिसकी बेस में जब प्रिंट कल्चर
और बड़े बड़े जो आइडियाज जो है वो फिलोसफर्स के आइडिया थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम कल पढ़ेंगे, अब जो आपके काम की चीज पढ़ेंगे इसी प्रिंट कल्चर ने प्राइमरी एजुकेशन लाई, प्राइमरी एजुकेशन लाई, बच्चों की बुक्स बननी शुरू हो गई, बच्चों की बुक्स बननी शुरू हो गई, बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, बच्चों पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ें। अब इसकी जो है जहां तक मैंने पढ़ाया है इसकी रीडिंग करें और जो है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, कहीं डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो डाउट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।